जंडू जिस बस का ड्राइवर था, एक दिन वह बस नदी में गिर गई। रिपोर्टर ने जंडू से पूछा, बस नदी में कैसे गिरी? जंडू बोलया, साहब मन ने कुछ ना बेरा। रिपोर्टर बोलया, याद करके बता क्या होया था? पढ़दे जंडू बोलया, जी उस दिन कंडक्टर ना आया था और जब बस नदी में गिरी उस वक्त में यात्रियों से किराया लेने पाछे चला गया था। जब कोई शादीशुदा आदमी किसी काम के बारे में कहे कि मैं सोच के बताऊंगा, तो इसका सीधा सा मतलब से कि वो अपनी पत्नी से पूछ के बताओगा। एक बे टीचर क्लास में बच्चा थी कहने लग गया, बच्चों तुम जानते हो हमारी आने वाली पीढ़ी पोलर बियर और बाघ नहीं देख पाएगी। पढ़दे जंडू ने बोलया, सर इब हम क्या करा, हमने भी तो डायनासोर ना देखे, पर कदे आपते शिकायत करी हो तो बताओ। जंडू बीमार हो रहा था, वो डॉक्टर दौरे गया तो डॉक्टर उसकी दवाई दे के बोलया कि हल्का खाना खाइए। जंडू बोलया ठीक है जी। अगले दिन जंडू फिर गया तो डॉक्टर ने पूछा, तेरती हल्का खाने के लिए कहा था, के खाया? जंडू बोलया, जी मैंने पकौड़े खाए थे। डॉक्टर बोलया, तुझे कैसे पता लग्या कि पकौड़े हल्का खाना है? पढ़ दे जंडू बोलया, जी पकौड़े कढ़ाई में तैर रहे थे और तेल नीचे था। एक बैग मां कंजूस अपने बेटे ने पीटन लाग रहा था। उसका पड़ोसी देख कर न्यू बोलया, भाई तू इस मासूम ने क्यों पीटन लाग रहा से? कंजूस बोलया, यो और मासूम, यो तो एक नंबर का शरारती से, मन ने इसकी एक एक सीढ़ी छोड़ कर चढ़ने की कही थी कि चप्पल कम घिसेंगी, यो नालायक दो दो सीढ़ी छोड़ कर चढ़ गया और पजामा पाट लिया। एक बैग सुंदर लड़की ने झंडूती आवाज लगाई, ओ भाईजान एक बार मेरी बात सुनिए। पढ़ दे जंडू बोलया, ओ हीरोइन क्यों कन्फ्यूज कर रही से, पहला फैसला तो कर ले भाई अगजान। एक बे जंडू वकील ते बोलया, मन ने अपनी पत्नी ते तलाक चाहिए से, वह पिछले 6 महीने ते मेरे ते बात ना कर रही। पढ़ दे वकील बोलया, एक बार अच्छी तरह सोच ले, ऐसी पत्नी बार बार नहीं मिलती। एक बे जंडू अपनी घराली ते बोलया, इस महीने मैं तने और एक भी पीसा नहीं दूं। पढ़ दे जंडू की घराली बोली, बस तू मने 500 रुपये उधार दे दे, मैं तने जब तनखा मिलेगी जब उल्टे दे दूंगी। एक बे जंडू अपनी घराली ते बोलया, तू हर बात पे हमेशा मेरा मेरा क्यों कराया करे, तने मारा कहना चाहिए। जंडू की घराली कुछ ढूंढन लाग रही थी अलमारी में। जंडू ने पूछा, के ढूंढे से? पढ़ दे जंडू की घराली बोली, मारा पेटीकोट। एक बार जंडू दुकानदार एक लड़की ते बोलया, मैडम क्यों परेशान हो रही हो? लड़की बोली, मेरे मोबाइल में नेटवर्क ना आ रहा, एक बार देखिए। जंडू दुकानदार बोलया, मैडम यो तो खराब मौसम की वजह से है। पढ़ दे लड़की बोली, यो ले 500 का नोट और नया मौसम डाल दे। दुकानदार बेचारा बेहोश।